हे गाइस अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ राबिया यू आर वाचिंग मी ऑन पूशा मैगजीन और आज हमारे स्टूडियो में हमारे कौन है मेहमान जो हमारे साथ आज गेस्ट हैं प्रियंका चोपड़ा और उनकी मदर उनकी फैन है और क्रिटिक्स uh, को बड़ी बोल्डली वो चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि यार मेरे गाने देख के सिर्फ फिल्म को जज मत कीजिए और मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जब भी हिस्ट्री में नाम लिया जाएगा तो उनका नाम ज़रूर लिया जाएगा <laughs>

और जब हमें लगा कि रुक जाना चाहिए तब भी आप कुछ कर रहे थे यू you नो know? <laughs> तो उससे मुझे लग रहा है कि आपके अंदर है कि नहीं यू यू टू एस ये एक बुरी आदत इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि बचपन से आई ऑन सेल्फ सेवरी थिंग कोई भी चीज़ कर रहा होता था मुझे उसको इम्प्रूव करना होता था अपने आप को इम्प्रूव करना होता था कभी खुश नहीं होता था अपने काम से और मुझे रिसेंटली जब रिसेंटली क्या ये पिछले डेढ़ दो ढाई साल में काफ़ी सोचा तो मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि ये बहुत एक अनग्रेटफुल Uh, किस्म की हैबिट है uh, That's interesting point of view के, uh, आप उसको ungrateful कह रहे हैं। अब मुझे ये लगता है okay. uh, तो अब 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 मुझे ये लगता है कि अभी भी मैंने उसको छोड़ा नहीं है hmm. बट जैसे मैंने बोला कि सबर सुकून ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी तरफ uh, मैंने पहला कदम मैं कहूँगा लिया है तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी कोशिश कभी ख़त्म ना करें okay. आपकी कोशिश जारी रहनी चाहिए जदोजहद जारी रहनी चाहिए आपकी जस्तजू ये सारी वो चीज़ें जो आपको यू हैव टू की लाइफ इन साइड यू कि मैं बेहतर काम कर सकूँ मैं अपने आप को बेहतर कर सकूँ mm -hmm. लेकिन फिर आपको ये भी अपने आप को अपनी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को बताएं कि हाँ आज के दिन की काफ़ी मेहनत कर ली अब कल देखेंगे यू नो सो सो आप थोड़ा रोक यू शुड नो वन टू हैंग अप योर बूट्स एवरी डे लिए बड़ा मुश्किल होता है ये करना नहीं तो वो वो हुँ. वो करना बहुत ज़रूरी है हुँ. और एंड खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है कि जितनी आपने मेहनत की उसके एक सर्टन पॉइंट के बाद आप बोले अच्छा यार ये गलतियाँ थी ये मैं अगली दफ़ा ठीक कर दूंगा yeah. बट हाँ मेहनत की अच्छा हो गया सो so वो आपको छोड़ना पड़ेगा हुँ. अपने सुकून के लिए अपने मेंटल पीस के लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों के मेंटल पीस के लिए क्योंकि नहीं तो आप उनको काट रहे होंगे एक्सीडेंट ने चेंज किया आपको किसी तरीके से आपको लगता है हुआ कैसे था एक्सीडेंट व्हाट हैपेंड वो एक कसूल है कि रात के वक्त नहीं चलानी आपको जब आप पहाड़ों की तरफ जाते हैं बाइक लेकर जी yeah. तो आ, मैं बस पहुंच गया था हुंजा से थोड़ा सा ही दूर था सनडाउन हो चुका था तो मैंने कहा यार ये बस थोड़ा सा आधे घंटे पैंतालीस मिनट का सामने ही तो है पहुँच जाएंगे सो बस वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी एंड आई हेट डिच खड्डे में लगी बाइक और बस हवा में उठी और मैं और बाइक दोनों साथ नीचे उस उस वक्त वक्त मतलब क्या क्या फीलिंग थे? हिट हुआ आपको कि हो हो रहा है है या बस उस एक माइंड नम हो जाता है? नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है अच्छा बिकॉज uh, हमने काफ़ी जिंदगी में इंटेलैक्चुलाइज किया है इन चीज़ों को हाँ. बहुत दफ़ा टी वी पर देखा है फिल्म में देखा है कि उस वक्त ड्रन किन करता है तो आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है तो जब मैं उठा तो मुझे अंदाज़ा तो था कि कितना हुआ है

So, मैं उठा एंड uh, uh, ये मेरा हाथ तो उतर गया था, ये तो मुझे पता था था बिकॉज़ वो बिल्कुल लटक गया आई आई पेन नॉट रियली लकी मैं लोगों को ये बताता तो उनको यकीन नहीं आता तो या तो आप है शायद पेन थ्रेशोल्ड ज्यादा है के बाद दर्द नहीं हुआ मुझे इतना oh, wow. uh, ऑनेस्टली मेरा एक और प्रॉब्लम ये था कि मुझे एसिड रिफ्लक्स होता है हार्ट uh, बर्न जिसे कहते हैं या फिर सो mm -hmm. so, मैं ज़्यादा दिन तक पेन किलर्स भी नहीं लेता ले सकता था तो मुझे वो डॉक्टर कहते थे कि पेन किलर्स लो बट mm -hmm. मैं लेता नहीं था बिकॉज मुझे नीड नहीं होती थी You could manage without it. नहीं but that's the interesting part. मुझे इतना पेन महसूस होता ही नहीं था mm hmm. तो so, it wasn't like कि मैं कोई जबर कर रहा था अपने ऊपर mm -hmm. You were not trying really? trying to to be be brave brave just for for the the sake sake of of. being. I wasn't tha Naturally feel ho tha pain तो वो काफी weird लग रहा था मेरे दोस्तों को कह बनने की कोशिश कर रहा हूँ But ऐसा बिल्कुल भी नहीं था So I guess. अल्लाह की करनी थी या फिर generally. But generally मैंने realize किया मुझे फिजिकल पेन इतना महसूस नहीं होता नॉट डर के मैं उस पर कंट्रोल कर जाता हूँ मुझे महसूस नहीं होता बट इमोशनल पेन जो है न, लगता ना क्या था थप्पड़ से डर नहीं लगता <laughs> <laughs> वो तो हमने देख लिया था <laughs> <laughs> काफी खा के भी आप असलम साहब खड़े हुए थे जी तो, हाँ। क्या चेंजेस आए हैं शेरिया मनोवर में व्हाट्स द न्यू शेरिया लाइक आई आई थिंक एक्सीडेंट ने जनरली uh, पिछला एक डेढ़ साल कोरोना कोविड जो एक पूरी दुनिया में चेंजेस आए हैं तो आई थिंक इंसान को तो आगे बढ़ने के लिए इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है right. अगर इंसान इवॉल्व नहीं करेगा तो फिर वो पीछे रह जाएगा सो आई थिंक हम सब ने थोड़ा बहुत इवॉल्व किया है एंड uh, uh, मैंने काफ़ी उसको फील किया है जो चेंजेस हुए हैं वो महसूस जो मैंने किए हैं आई थिंक एक तो सुकून जनरली uh, जिंदगी में एक रेस्टलेसनेस थी मेरे अंदर खत्म हो गई मैं ये तो नहीं कहूँगा ख़त्म हो गई बट हाँ काफ़ी बेहतर हो गई है काफ़ी हद तक सब्र की बहुत सख्त जरूरत थी वो सिखाना पड़ा और सब्र जो है वो एक मसल की तरह है वो आपको एक दिन में नहीं आता नहीं। तो जैसे अगर आप जिम जाते हो नौ महीने नई जिम जाने के बाद तो पहला दिन आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हो फिर दूसरा दिन उससे ज़्यादा करते हो तीसरे तो दिन उससे ज़्यादा करते हो महीने डेढ़ बाद आप बहुत ज़्यादा कर जाते हो तो सब्र को भी आपने एक मसल की तरह एक्सरसाइज करना है पहले दिन आपसे कम एक्सरसाइज कर पाओगे yeah. महीने दो महीने में आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहाँ पे आप ज़्यादा सब्र दिखा सकोगे सो okay. so, वो आना बहुत ज़रूरी हुआ है आई थिंक कॉन्शियनशियसनेस जिसको उर्दू में मैं मुश्किल वर्ड है उर्दू yeah. में आप मुझे कहे थी पहले एक्सप्लेन कर रहा था इस वर्ड को मैं कैसे मायने दूँ बटी हाँ आई थिंक एक एक एक, एक 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 जिम्मेदारी जो आपकी एहसास एहसास जिम्मेदारी जिम्मेदारी आपकी जो टूवर्ड्स सिर्फ अपने लिए नहीं अपनी अपनी इमीडिएट इन्वायरमेंट के लिए नहीं अपने घर वालों के लिए नहीं बट एक जनरली एक यूनिवर्स में आप रह रहे हैं एक ऑपरेट करें एक सिस्टम में रह रहे हैं चरंद परिंद हर किस्म के जो आपके लोग हैं आपको ये बात समझ आना शुरू होती है कि हम सिर्फ एक छोटे से जर्रे हैं पूरे एक पूरी एक दुनिया में

यार सोचना बड़ा आसान होता है उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है नहीं मतलब बहुत से हम गोल्स करते हैं कि हम ये कर लें वो कर लें आपने ऐसा किया, किया नहीं, सोच think... को प्रैक्टिकली आपने किया बिकॉज यू नो मेरी ओपनिंग क्वेश्चन मेरा जो था वो ये था कि आई सी अ मोर मेचोर अ मोर सोच में डूबा हुआ अ मोर कंटेंट शेयर यू नो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी तो वो सब चीज़ें जो है मुझे लग रहा है कि वो हो रही हैं तो आपने ऐसा क्या किया कि ये सब चीज़ें आपने एक्चुअली करके अपने आप आप को इवॉल्व किया जैसे कह रहे हैं कर मुझे नहीं लगता कि सोचना आसान है मुझे लगता है फालतू सोचना आसान है क्लैरिटी के साथ सोचना बहुत मुश्किल है क्लैरिटी के साथ सोचने के लिए आपको अपने आप को समझना पड़ता है और अपनी सोच पे काबू रखना भी बहुत मुश्किल काम है क्योंकि या तो आपकी सोच आपको चलाती है या आप अपनी सोच को चलाते हो सो hmm. so, उस तरीके से ये प्रोसेस में मैंने वो सीखा अपने सोच पे कंट्रोल करने के लिए क्लैरिटी के साथ Extra सोचने नहीं के सोचे. लिए ओवर थिंकिंग नेगेटिव थाट्स मैनी अदर थिंग्स जो है उन पर कंट्रोल करना आ, अब ये सारे जो है आपको बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें लग रही होंगी बट yeah. इनको आप ऑब्जेक्टिवली क्वान्टिफाई कर सकते हो और Uh, काफ़ी चीज़ें हैं जैसे मेडिटेशन हम बोलते हैं मेडिटेशन hmm. के थ्रू आप काफ़ी अपनी थॉट uh, प्रोसेस पे कंट्रोल कर सकते हो यू नो एजुकेट करके अपने आप को पढ़ के uh, तो इसके बहुत एक ऑब्जेक्टिव तरीके भी हैं करने के okay. था मेरे पास बहुत hmm. फारे hmm. हाँ, मैंने आपने पढ़ा बहुत टाइम uh, था बहुत hmm. जैसे मैंने कहा

वो मैकेवैली की किताब थी द प्रिंस okay. ये बहुत बहुत सौ साल पहले लिखी थी ने आम, तो, फिर तो उसकी भी वैली ने पतली सी किताब है वो नहीं नहीं आप आपको ब्रिज वर्जन मिलेंगे आराम मिल okay. से मिलेंगे उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने आ, जैसे तशरी होती है शेर व okay. शायरी की वैसे उस टेक्स की तशरी भी की हुई है तो वो आपको काफ़ी आराम से मिल जाएगी वो मुझे मज़े की लगती है बिकॉज उसमें बहुत एक एक इंसान की सोच के बारे में लिखा हुआ है बट बहुत नेगेटिव तरीके से hmm. लिखा हुआ है okay. तो उसके पढ़ उसके पढ़ उसको पढ़ के आपको इंसान की किस हद तक इंसान जा सकता है What उसका like ख्याल आता है एंड आई थिंक के इट्स इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू नो कि एक इंसान के अंदर ही वो साइड भी है hmm. अगर आपको साइड का पता नहीं होगा तो आप उससे लड़ोगे कैसे सो यू यू कॉशन योर सेल्फ आप उस साइड पे नहीं जा रहे हो मेरी कोशिश रहती है मैं जनरली बात मेरी नहीं कोशिश नहीं रहती है कि अगर आप वो ऐसी बात बोल रहे हैं मुझे लग रहा है कि आपको अवेयर हो तो आप कॉन्शियसली अपना आप रोकेंगे यार देखिए रबे ये बहुत डीप कन्वर्सेशन हो जाएगी बट हाँ। हाँ। ये बात ये ज्यादा कोई नहीं था बट स्टार्ट हो गई है बात ये है कि पर्पस क्या है हर किसी का जिंदगी में आपने कभी सोचा है आपका पर्पस क्या है इस जिंदगी में सोचती हूं मैं एक्चुअली जो आप लिए करना है ताकि आप जिंदगी गुजार सकें ताकि आप सुबह को उठ सकें ताकि आप हंसते हुए नाश्ता कर सकें अपने घर वालों को देख सकें वो एक छोटा पर्पज़ है वो मैं उसको पर्पज नहीं कहूँगा वो वो चीज़ है जो जैसे मैंने कहा जिंदगी का तसलसल चलाना है आपने तो उसके लिए ये वो तेल है आपका वो hmm. जो आप ऑयल करते हो मशीनरी को ताकि वो चलती रहे बट हर किसी का एक जिंदगी में पर्पस होना चाहिए ना आने का अगर वो आपको पर्पस नहीं पता तो फिर तो आप बस जी रहे हो नॉट इज़ आई थिंक आई ऑन रोड ऑफ डिस्कवरी और मुझे ये लगता है कि हाँ मुझे एक चीज़ जो समझ आई है वो ये आई है कि आ, मैं अकेला नहीं हूँ hmm. इस यूनिवर्स में और आ, मेरा दीन भी मुझे ये कहता है कि तीस फीसद अगर मेरे रब के हकूक़ हैं तो सत्तर फीसद है, लबाद है मेरे दीन में सो hmm. आई so, yeah. yeah, अच्छा है यूनिवर्स आईन आई है सो एवरी डे मेरी कोशिश ये होती है कि बस मैं एक कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट में आना चाहता हूँ yeah. uh, मतलब uh, जर्नी में तो आपको रहना है ना yeah. uh, कोई वजह थी uh, मजे की बात यह है मैंने उनको भी यही शेर आपने गालिब की थोड़ी देर पहले बात की और आ, आ, मैंने फायजा की बात की तो मैंने फायज़ा को भी उस दिन यही शेर लिखा था आ, मुझे गालिब का बड़ा अच्छा लगता है शेर आई होप मैं इसको सही कोट कर रहा हूँ कुछ ना होता तो खुद कुछ ना था तो खुदा था कुछ ना होता तो खुदा होता डुबोया मुझे होने ने ना होता मैं तो क्या होता सो इंटरेस्टिंग बात यह मेरे वालद ने मुझे सबसे पहले कोट किया था एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर नहीं होते हम यहाँ पे यहाँ पे होने नहीं डुब अगर नहीं होते तो हम तो खुदा ही होते ना क्योंकि well, खुदा का हिस्सा होता है उन्होंने बनाया ही नहीं था उन्हीं उन्हीं के उसमें होता है सच होता है खुदा होता है सो so, अगर यहाँ आ गए हैं तो फिर यहाँ पे आने का मक मकसद क्या है मकसद क्या है इसका मकसद ये है कि आपको कॉन्सटेंटली वो एबिलिटीज़ या वो क्वालिटीज़ की तरफ एस्पायर करना है कि आप जा सकें ताकि यू कैन री सो मेरी

सो ये डायरेक्शन भी इतनी नहीं नापा में है नापा okay. में कोर्सेज हैं बट as such इतने कोई हमारी हमारा वो कल्चर भी नहीं था कि hmm. हम अकैडेमीज में भेज, भेजें अपने बच्चों को शायद अभी भी है भी नहीं आई थिंक अभी भी है भी नहीं hmm. और आई वाजंट लकी इनफ मैं इतना लकी नहीं था कि मुझे वो मौका मिल सकता तो um, सो so, इस तरीके से आ, उस उसमें काफ़ी हेल्प हुई बिकॉज जब आप एक काम को प्रोसेस को समझ के कर रहे होते हो फ्रॉम जीरो कि अगर आपको ये बिकॉज ये फिल्म मेकिंग में आ जाता है ना फिल्म मेकिंग के अंदर ये एक्टिंग भी आ जाती है सो so आपको उस शायद खुद एक्टिंग नहीं करनी बट अपने एक्टिंग करवानी है किसी और से तो वो सारे डिसप्लें आ जाते हैं वो पूरा जो कोलाबरेटिव आर्ट है उसके सारे डिसप्लिन आ जाते हैं उसके अंदर सो so, उस में काफ़ी काफ़ी सीखा मैंने उस तरीके से एंड बट आई थिंक इस सबसे बढ़ के जो आपकी क्रिएटिव uh, मैं कहूँगा प्रोफेशनल एजुकेशन से बढ़ के जो मैंने उनसे सीखा वो एक बेहतर इंसान होना सीखा क्योंकि वो uh, जो हैं उनको बहुत ज़्यादा उनके कुछ प्रिंसिपल हैं सच्चाई को लेके के इंटेग्रिटी को लेके के एथिक्स को ले कर uh, जिसपे वो ये कहते हैं कि मेरा नुकसान भी हो रहा हो लेकिन इन एथिक्स पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना okay. और वो उस चीज़ पर वो एक जनरली वर्क कल्चर था हमारा ऑफिस mm -hmm. पे सो दैट वॉज अ ग्रेट थिंग टू अंडरस्टैंड और आई थिंक

लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में और ये जो सारे मैं भी कहूँगा काफ़ी अगर यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं जब हम यंग होते हैं स्कूल में होते हैं तो एक डिफरेंट जिंदगी होती है यू you नो know, हम दोस्तों के साथ होते हैं लेकिन हम अपने आप को सीरियसली इतना नहीं ले रहे होते हैं, ना दूसरों को ले रहे होते हैं या फिर कभी कभार हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे होते हैं और हम हर चीज़ ईगो पे ले रहे होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में जब आप कदम रखते हैं स्पेशली शुरू के कुछ साल ये नहीं हो सकता आपका आपका ईगो नहीं हो सकता आपके अंदर यू हैव टू हैव to नीड टू हैव skin. आपको अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको काफ़ी चीज़ें सुननी पड़ती हैं जो कि आपकी मर्जी के ख़िलाफ़ होती हैं और आपको बहुत सारी वो चीज़ें करनी पड़ती हैं अक्सर जब आपको लग रहा होता है कि नहीं ये गलत हो रहा है लेकिन फिर आप उससे लेसन ये लेते हो कि यार अच्छा ये गलत ऐसे हो रहा था मैं जब मैं करूँगा तो मैं ऐसे नहीं करूँगा बट आपको चुप रह के लेना होता है वो लेसन सो आई गेस वो काफ़ी ऐसे मौके थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक एंगस्ट आपके अंदर आती है कि नहीं मुझे hmm. आ, कोई चीज़ बट इन द लॉन्ग रन जब आप आगे जाते हो तो आपको रियलाइजेशन होती है कि नहीं ये मेरी बेहतरी लिए था एंड नॉट जस्ट विद आई वुड से वर्क एंड आसम एट होम इज़ वेल अक्सर अब मेरी वाले के साथ मेरी दोस्ती हो गई है hmm. आपकी एक सर्टन एज जब आप क्रॉस yeah. करते हो उसके बाद आपके वालदेन आपके दोस्त बन जाते हैं सो so, मेरे फादर मेरी मदर मेरे दोनों के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है hmm. तो so, मैं अपनी मदर को अक्सर ये कहता हूँ कि वो सारी बातें जिन पे बचपन में आप सोचते थे कि यार ये माँ बाप हिटलर बन रहे हैं mm. मैं उनको अभी उनके साथ बैठता हूँ थैंक यू सो मच अब उनकी उनसे जब बात हो रही थी तो मैंने उनको खुद कहा कि uh, मम्मी वो एक दफा वो हुआ था mm. उस टाइम पे आप मुझे बहुत जहर लग रही थी लेकिन uh, <laughs> आज मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने उस वक्त यू पुट दैट फुट डाउन और और ये चीज़ आई वाज लकी के काम पे जब मैं गया तो आसन साहब से जब सीख रहा था तो उन्होंने भी किया था कि प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप बिगाड़ो बच्चे को <laughs> प्यार का मतलब ये है कि इवन दो बच्चा चीख मारेगा लेकिन आप फिर भी उसको सही चीज़ सिखाओ सो माई पेरेंट्स फर ऑल्सो लाइक दैट So, hmm. I think, uh, काफी चीजें वो होती हैं जो हुई ही होती है हमारे साथ hmm. और अब जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मैं कहता हूं, यार अच्छा ही हुआ वो तो afterwards आपको realize होता है Let's come to पहली सी मोहब्बत पहली सी मोहब्बत yes. yes. आपको आइडिया था कि असलम और रक्षी की लव स्टोरी इतनी हिट जाएगी कि लोग वेट करें कि क्या होगा जैसा मैं अभी ऑफ कैमरा बता रही थी कि हमने अपने इंस्टा पे पूछा तो इतने क्वेश्चंस सिर्फ थे

उन्होंने ऐसा एक दायरा बना लिया था कि उसके अंदर मेरे पास खेलने का बहुत मार्जिन था या तो आप सिर्फ़ दायरे के इर्द गिर्द चलते रहे ना कोई आपके लिए अगर एक दायरा बना दे इतना सा और बोले कि इससे बाहर नहीं निकल सकते तो हम सिर्फ दायरा देखते रहते हैं दायरे के अंदर इतनी सारी चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं देखते तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं कर सकता था तो वो देख के मुझे समझ आ गया था कि ये मुझे करने में तो बहुत मज़ा आएगा उससे आगे मैंने सोचा नहीं था सच्ची जो बात है एंड आई आई थिंक दिस वॉज ऑल्सो अ चेंज इन मी बिकॉज मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं सिर्फ एक एक्टर की तरह जाके ये प्रोजेक्ट करूँगा hmm. और मैं अपना काम करूँगा उससे खुश हूँ और ऑनेस्टली मैंने बहुत इंजॉय किया मैं आपको बताऊँ मैं रोज़ सेट से घर आता था इतना खुश आता था hmm. हँसता खेलता आता था मैं <laughs> सेट पे इंजॉय करता था पता नहीं कभी किसी ने बीटेल्स देखा होगा जब सीन होता था तो मैं हद से ज़्यादा फोकस्ड होता था hmm. जैसे ही कट होता था तो मेरा हंसी मजाक सबके साथ चल रहा होता था yeah. सारे क्रू के साथ ऊपर से नीचे नीचे तक सबके साथ दोस्ती yeah. थी सो आई रियली इंजॉयड तो मैंने इन्जॉय बहुत किया था बहुत yeah. ज़्यादा इन्जॉय किया था okay. और आफ्टर आफ्टर सो लॉन्ग फिल्में करने yeah. के बाद ड्रामा करने का मौका मिला और मुझे बहुत मज़ा आया yeah. तो मैंने कहा कि अब मैंने हर साल एक ड्रामा तो करना ही है सो इनशल सो मुझे करके बहुत मज़ा आया इसलिए सो ये मुझे नहीं पता था कि लोग उसको ऐसे रिसीव करेंगे और मेरी कोई उम्मीद भी नहीं थी मेरी सिर्फ ये उम्मीद थी कि मैंने काम इंजॉय किया लोगों को नज़र आ जाए कि काम में मेहनत गई है उससे आगे कोई उम्मीद नहीं थी बट आई एम ग्रेटफुल या लोगों ने इन्जॉय किया मैंने सोचा नहीं था बिल्कुल भी राव्य बट जब लिफ्टेश बनाई थी आपने हाँ उसमें वो मस्त थी आपके हाँ क्यों? ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज राबिया हैज नॉट डन मतलब उनके बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं तो मुझे ये बात बड़ी इंट्री की कि वाई वट मेड यू चूज हर उनकी एक जनरल अगर आप देखें राबिया एक हसीन औरत है उसके अलावा उनकी जसामत अगर आप देखें शीज़ अ टॉल वमन एंड शीज़ अ टॉल ब्रॉड वमन I don't mean it in a bad way. I mean like उनकी प्रेजेंस है बिल्कुल बिल्कुल. So um, personality भी उनकी बड़ी एक दबंग है हाँ. You know हाँ. you 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 can't like you can't not Notice her. You cannot not notice uh. her, that is true. Um, so जनरली आई थिंक अंजुम भी बहुत एक्साइटेड थे इसके बारे में उन्होंने कहा था कि और मैं भी बहुत एक्साइटेड था बिकॉज हम दोनों को पता था कि फॉर सम रीज़न हमें लग रहा था कि ये नर्विस एक्चुअली हम सबका फेवरेट कैरेक्टर नर्वस था okay. मैंने भी जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर नर्विस था जब हम बैठे थे तो सबसे पहला सवाल ही मैंने किया था अच्छा वो तो छोड़ दें मैं तो ये कर लूँगा लेकिन नर्वस कौन करेगा okay. तो और नर्विस के लिए आपने रामा भट्ट को सोचा हुआ था जी सो राबिया भट्ट दो और नाम थे जो मेरी भी रिक्वेस्ट थी बट सारों ने

एंड आई लाइक इट क्योंकि वो हमारे ड्रामे बड़े अच्छा, मेरा एक हाथ नहीं चलता ना, uh, था ना बिकॉज मेरी बिटवीन uh, oh. एक्सीडेंट्स था तो अगर आप वो दोबारा उसको जाके देखेंगी oh. तो मैं छत पर चढ़ रहा हूँ oh. तो मैं पाइप से भी अगर चढ़ा हूँ मैंने सब राइट हैंड से किया हुआ oh. है. मैंने नहीं नोट किया <laughs> okay. आप जाके देखिए सो so, मेरी वो इंजरी हुई भी और बहुत बुरी इंजरी थी इट वॉज रियली टफ बिकॉज मैं तो वेट भी गेन किया हुआ था मैंने hmm.

अजीब तरीके से चढ़ा क्योंकि मैंने एक हाथ ऊपर किया फिर मैंने टांगों से फ्लिप करके ऊपर चढ़ा आई एम राइट हम सोच रहे हैं वो एडवेंचर में ही हो रहा है वो एक्शन में ही हो रहा है हमें ऐसा लगा या लगा। Sorry, वो मेरा पूरा ये शोल्डर पूरा हाथ नहीं चल रहा था सो oh. so, so, बड़ा मैनेज करके आई मैं छलांगें आप काफी लगा रहे

तो वो होता था आप लोग एक जंप लगाई कट हो गया ये सब प्रूफ तो क्राउड भी ताली बजा हाँ, रहा है ये सब होता हाँ, था लाइव ऑडियंस होती थी लाइव ऑडियंस मजा आ रहा होगा जब हम वहां पे परफॉर्म कर रहे थे जो हमारे छत के सीक्वेंसेस थे तो वो छत के सीक्वेंसेस हमने किए थे सदर में तो इर्द गिर्द के जो पूरे जो मोहल्ला था हाँ, हाँ वो सब आके अपनी टेरेस में आके शाम के वक्त

अंजुम साहब से या फाइज़ा से बात हुई है मतलब वो इतना पीछे रखशी के चल रहा होता है वैन के तो वो वैन वाले को पीछे से नजर नहीं आया शीशे हाँ, पता में था, था वैन वाले को पता था वो साथ मेरी बैक स्टोरी में तो पता था पैसे दिए हुए थे उसने हाँ, हाँ, हा, मेरी बैक स्टोरी में तो सेटिंग भी हुई थी okay. देखिए मैंने तो बैक स्टोरी बनाई हुई थी और मैंने तो एक सीन जो था जिस सीन में मैं आता हूँ मैंने तो पूरे

फॉर एग्जाम्पल वो वो सीन है जिसमें मैं निकल रहा होता हूँ अम्मा को कहता हूँ अम्मा मुझे मोटरसाइकिल ले देना <laughs> है वो कहती है चल हट जा अपने ससुराल <laughs> वालों से जहेज <laughs> में लेके दे मामू को बोल <laughs> तो कहता है अच्छा कल से पैदल ही पीछा कर लेंगे सो दैट लाइन वॉज नॉट देयर तो वो बस ऐसे ही निकलते निकलते फिल्मी काफी चीजें हो जाती थी मैनरिज्म डिफरेंट सो आई रियली लिविंग इन दैट कैरेक्टर जो एक सीन है जिसमें वो उसको भाई को बोल रहा है कि भाई नहीं है जाना कौन कॉल दे हैं हां कर देना अब 2 मिनट के लिए कर लूंगा तो उसमें वो कहता है अम्मा ने कसम दी है तो वो मुड़ के कहता है बड़ा आया तो कसमें रख लेना सो अब ये नहीं थी उसमें नहीं बट नॉट दैट मैंने सोची हुई थी कि मैं ये बोलूंगा सीन हुँ। हुँ। हो रहा होता था उसमें बस वो एक फिलबदी निकल जाती थी मुझे लग रहा है राइटर कहीं है नॉट एट ऑल मैं ये ये बिल्कुल हिम्मत नहीं फायजा जी माफ़ करें फायजा जी ने बहुत मुझे ये छोटी मोटी इजाज़तें दी उनका आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज इसके अलावा इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखा हुआ है ये प्ले ये खेल बहुत अच्छा खूबसूरती से इन्होंने लिखा हुआ है इसके जो कनेक्शनज हैं वो इतने मज़े के हैं कि आप देखेंगी कि कोई चीज़ अगर उन्होंने लूज एंड तीसरी एपिसोड में छोड़ी है तो वो छः एपिसोड बाद जाके उसको टाई इन करती हैं तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है और मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता है कि मैं आ, उनके करीब छू के भी गुजर सकूं उसको तो मैं कोशिश भी नहीं करूंगा नहीं। ये तो इतना तो एक्टर को इजाज़त होती है कि जब आप अपने कैरेक्टर में घुस जाओ तो एक सर्टन मैनरिज्म सर्टन एडलिप अगर हो जाए तो वो अलाउड होता है बट मैं कभी भी उनके उस डायलॉग को ख़राब नहीं करता था जिसका मुझे जब आप एक सीन पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि वज़न में कहाँ पर लिखा हुआ है राइटर ने वज़न लिखने का एक वज़न होता है ना जिस तरीके से आप तो उस वजन को मैं कभी खराब करने की कोशिश नहीं करता था तो चुटी चुटी आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जैसे एक सीन था जिसमें मेरी लाइन थी कि मैं उससे नाराज कैसे हो सकता हूँ वो नाराज़ हो तो जी कैसे सकता हूँ अब ये वजन में अगर आप देखें मैं उससे नाराज कैसे हो सकता हूँ वो नाराज़ हो तो जी कैसे जी सकता हूँ अब इस डायलॉग को अगर मैं बदलूंगा तो उसका वज़न खराब होगा तो मैंने कहीं पे भी वो करने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि मुझे नज़र खूबसूरती नज़र आ रही थी दे उनकी दे लिखावट दे की दे दे। कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे वज़न में लिखा है दे दे दे। तो बट जहाँ जहाँ मेरे पास थोड़ा बहुत मार्जिन होता था वहाँ पे मैं कोशिश करता था और काफ़ी राइटर्स का ऐसा है कि वो वज़न में लिखना पसंद करते हैं तो उनके आप अगर एक लफ्स को भी चेंज करेंगे तो उनका पूरे उनकी राइटिंग का वज़न ख़राब हो जाता है असलम को इतनी देर देर क्यों लगी सारी चीज समझने के लिए के लिए लिए और एक्शन लेने नहीं लग गई? एक 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 आम एक, एक आम इंसान जिसको मैं लड़का होशियार था था, वो, हाजिर जवाब कंपल्सिव लायर बट ये तो सारे जो हीरो टाइप लड़के होते हैं उनकी ग्रेन ये ग्रे तो होता है उनके अंदर लेकिन असलम का कैरेक्टर ऐसा लग नहीं रहा था असलम का कैरेक्टर इतना ज्यादा सो so, मैंने उसको एक इतना ज्यादा इस तरह का लड़का लग नहीं रहा था मैंने मैंने उसको एक कंप्लीट लाओ वाली बचानी प्ले किया मैंने उसको स्लाइटली yeah, वाइज exactly. प्ले किया yes, शुरू में या एग्जैक्टली अम सो सो ही वाज समवेयर बिटवीन द टू टाइप फॉर एग्जांपल जो शुरू में जो सीन्स थे के वो एक लड़की के साथ पूरी जिंदगी रहा है और उसको कहा गया कि बहन बोलो बहन बोलो और बोला कि अब तुम्हारी शादी हो जाए तो वो शुरू के सीन्स मेरे लिए बहुत टफ थे कि मैं उनको कैसे प्ले ऐसा करूँ कि वो इतना एक ही एपिसोड में मैं उस लड़की को भी स्माइल दे रहा हूँ और फिर रक्षी के लिए भी सो so वो बहुत डेथ में जाके सोच के फिर मुझे समझ आया कि यू नो हाँ वो अजीब तो है बट मिडिल क्लास घरों में ये लोअर मिडिल क्लास घरों में ये एक होता है कि जब तक शादी नहीं हुई होती तब तक भाई बहन होते हैं आप <laughs> और उसके बाद फिर जब आप पी के बेटे होते हैं तो वो एक, एक दिन में जिंदगी बदल जाती है बट उसमें भी मैंने उसको ऐसे प्ले किया कि जब मैं अम्यूज हो रहा हूँ <laughs> जब वो बुशरा हंस के जाती है तो उसे yeah. कहता है क्या yeah. well, मैं उसे, अगर आप वो सीन भी देखें तो उसमें उसमें वो लाइन भी नहीं थी वो मैंने उसके साथ ऐड की थी कि मैं कहता हूँ अच्छा चुपे आई हो तो किस खुशी में तो वो अम्यूज हो रहा है जब उसकी हरकतें देख रहा है अच्छा और वो जब भाग के जाती है तो पीछे से बोलता है अबे यार ओवर सो सो दो थिंग्स आई एडेड बिकॉज

Um, वो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेरे अंदर नहीं है यू नो लाइक फॉर एग्जांपल असलम इज हाजिर जवाब जो है तो है ठीक है वो तो hmm. आ, मेरा भी होता है बट मैं एक सर्टेन पॉइंट के आगे कभी किसी के साथ वो लाइन क्रॉस करके उसमें नहीं जाऊंगा असलम कैन बी अ लिटिल बदतमीज विद हिज फ्रेंड अगर आप देखें yeah. जो अकलोता uh, दोस्त है हाँ, उसका जो दोस्त है उसकी तो वो उसके साथ तो yeah. खुद खूब क्लास ले रहा होता है सो आई एम नॉट लाइक दैट विद माय फ्रेंड्स तो ये चीज आपको सो आई थिंक दैट वाज अ लिटिल बिट दैट हाँ, टफ था मेरे लिए ये ये साइड दिखाना उसकी कि वो हा. किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है सो दैट वाज डिफरेंट या दैट वाज डिफरेंट बट अदरवाइज इट वॉज असलम कैरेक्टर मजे का आई थिंक उसको मैंने बहुत एक ऐसे रिलेटेबल अंदाज में प्ले किया है कि वो हर लड़का उससे रिलेट कर सके so, yeah. अच्छा किया है उसकी जो

ऐसे बोलने में बहुत आसानी होती है <laughs> मैं नहीं देखूंगा उसको छोड़ूंगा नहीं दिस इज दिस इज एक्टिंग भाई दिस इज एक्टिंग रियल रियल कैरेक्टर नेवर टॉक्स लाइक दिस नो मैटर जितना लार्जर देन लाइफ एक बंदा हो <laughs> वो हर वक्त ऐसे नहीं देख रहा होगा hmm. Hmm. ऐसा करना बहुत आसान है राबिया <laughs> ऐसा करना बहुत आसान है बट देन इट्स अ जोक मैन ठीक है मेरे नजदीक बट आप लोगों को वो एक्टिंग लगती है आप कहते हैं वाह क्या एक्टिंग हुई है भाई देखें मतलब तोबा करें मैं माफ़ करता हूँ मैं कोई अपने आप को एक्टर नहीं करता बट मेरी जो कोशिश होती है वो ये होती है चाहे मैं कोई कैरेक्टर प्ले करूँ उसको मैं इतना रियल कर दूँ कि वो एक असली ऐसा इंसान लगे कि मुझे लगे कि यार ये तो मेरा पड़ोसी है ये तो मेरा दोस्त है ये तो मैं स्कूल जाता हूँ तो जब मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो यहाँ पे बस में मुझे रास्ते में ये बंदा मिलता है इट्स सो रिलेटेबल ठीक है ड्यूरस्टैंड से yeah, yeah, अगर really मैं really एक कैरेक्टर को yeah. इतना लार्जर देन लाइफ कर दूं कि फिर वो लार्जर देन लाइफ तो ठीक है समझ आ रहा है hmm. बट फिर वो इतना लार्जर देन लाइफ है कि हाँ मुझे देखने में तो मज़ा आ रहा है लेकिन मैं रिलेट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं इस आदमी को True. True. शायद होता होगा बट अफसानों में ही होता होगा hmm. क्योंकि असली जिंदगी में मैंने देखा नहीं सो so, मेरे नज़दीक ये चीज़ थी जो बहुत एक डिफरेंट uh, चीज़ थी जब मैं आया और uh, मुझे ऐसा लगा कि मुझे दूसरी चीज़ करने में मज़ा आ रहा था एंड आई कुड बी रॉन्ग डिफरेंट तरीके होते हैं एंड जैसे मैंने बोला कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये बेहतर है दिस इज़ एन ओपिनियन दिस इज़ माई ओपिनियन दैट मुझे ये लगता है कि ये एक डिफरेंट स्कूल है जो और ये स्कूल मुझे बेहतर लगता है mm -hmm. इसमें शायद लोगों को लगता है कि एक्टिंग बहुत कम हो रही है कहते mm -hmm. हैं हाँ लेकिन मज़ा नहीं आ रहा एक्टिंग नहीं की उसने तो अच्छी बात है ये तो ज्यादा बेहतर काम किया उसने कि ऐसे किया कि आपको लगा ही नहीं एक्टिंग हुई है True. Mm -hmm. मुझे तो लगता है सबसे बड़ी परफॉर्मेंसेज होती हैं कि आपको बोलने के लिए सीन के अंदर इतनी बड़ी बात बोल दी हो कि mm -hmm. ये आपने बोलनी है और उसको आपने इस तरीके से नहीं बोला बल्कि आप उसको बोल के निकल गए mm -hmm. और पता भी नहीं चला क्योंकि एज एन एक्टर आपका काम क्या है इस सीन में एक मुद्दा है जो मुद्दा मैंने आप तक पहुंचाना है क्योंकि मैं सिर्फ एक एक्टर नहीं हूं मैं पूरी कहानी में का हिस्सा हूं हर कहानी में एक एक्ट्स होते हैं एक्ट्स के अंदर सीन्स होते हैं hmm. हर सीन का एक मकसद होता है और वो मकसद आपको बयान करना होता yeah. है hmm. अगर वो मकसद मैं बयान करके ऐसे आराम से निकल गया विदाउट स्टिकिंग आउट लाइक अ सोर थम देन आई डन माई जॉब वेल सो एनी वे जस्ट टू कंक्लूड वुज से ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद एक सफर पर निकला हूँ जिसमें मैं अपने क्राफ्ट को बेहतर करना चाह रहा हूँ हर पासिंग मिनट के साथ मेरा थोड़ा सा डिफरेंट इस पर अंडरस्टैंडिंग और ओपिनियन एवरी बडी इज़ एन ओपिनियन मेरा ओपिनियन ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मैं एज़ एन एक्टर आपके सामने टेलीविजन पर खड़ा हूँ तो मेरा काम ये है कि एक अगर कहानी लिखी गई है उसको मैं इस तरीके से उस मकसद को आप तक पहुँचाऊँ कि वो रियल से रियल लगे आपको मेरा काम ये नहीं है कि मैं अपने क्राफ्ट की फनकारियाँ आपको दिखाऊँ एंड नॉट बी फेयर टू my कैरेक्टर और द स्टोरी सो ये मेरा ओपिनियन है सो mm -hmm. so, अगर मैं फ़नकारियाँ दिखाने में आपको अपने अपने फ़न की फनकारियाँ दिखाने में mm -hmm. आपको एक घुमा घुमा के लाइन बोलूँ लेकिन आपको उस वक्त तो मेरे फ़न को देखने में तो मज़ा आ रहा है बट mm -hmm. आप स्टोरी के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो रियल नहीं लग रही आपको अफसाना आप लग रहा है हाँ mm -hmm. उस तरह का भी काम होता है एंड mm -hmm. उस उसमें उस तरह की एक्टिंग जस्टिफाइड है लाइक अगर आप गेम इफ़ यू डूइंग अ गेम ऑफ थ्रोन्स इवन वो भी बहुत रियलिस्टिक करते हैं बट इफ़ यू डूइंग ए गेम ऑफ थ्रोन्स जिसमें आपके लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हैं आ, जो भी लार्जर लार्ज है वहाँ पे आप बोलना चाहो बोल सकते हो बट अगर आप किसी के गली मोहल्ले घर की कहानी कर रहे हो तो फिर मुझे मेरा एक हम्बल ओपिनियन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरीके से बयान कर देनी चाहिए कि आपको लगे कि यार ये मेरा दोस्त या ये मेरा कोलिग या ये ये लड़का मेरे स्कूल में था या ये लड़का मेरे साथ काम पे है कहीं ना कहीं आपने उस लड़के को देखा हो उसकी झलक देखी हुई हो और मैंने असलम को ऐसी प्ले करने की कोशिश की है कि अगर उसके वो वाले डायलॉग्स जो थोड़े हैवी भी थे उनको मैं इतने आराम से बोल जाऊँ कि आपको लगे कि यार इस तरह की बात रियल लाइफ में की जा सकती है सो ये मेरी कोशिश रही है स्विच किया और जब वो हाथ मानती है और माफी मांगती है जब मैंने स्विच किया था जब मैं रियल में आ गया अचानक से उसने कैरेक्टर ड्रॉप किया तो मैंने जब रियल में आया तो मैंने बहुत प्लेन बोला उसको मैंने कहा उसने भी ऐसे हाथ जोड़े होंगे ना तुम्हारे सामने मैंने ये नहीं बोला

इस चीज़ में सेल्फिश हो गया ना कि यार मैं अपनी लिए तालियां भजवाऊँ तो फिर मैं स्टोरी के साथ अनफेयर हो रहा फिर मैं अपनी परफॉर्मेंस में ही डूबता जाऊंगा और शायद लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे भी कि यार ये क्या परफॉर्मेंस दे रहा है बट होलिस्टिकली एज अ टीम मैंने प्रोजेक्ट के साथ जस्टिस नहीं किया क्योंकि प्रोजेक्ट दिल को नहीं ठुका तुम्हारा शायद काम एज ए मेरा काम या कोई तुमने तुमने देख के लगा होगा कि हाँ तो आप मेरे लिए तालियां भी बजा लोगे कि यार ये अपना क्राफ्ट तो बड़ा अच्छा दिखा रहा है

Okay. क्योंकि दुनिया बहुत जल्दी इवॉल्व कर रही है आपके इर्गर्द ओ टी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक्टिंग रिक्वायरमेंट्स अलग हो गई हैं राइटिंग रिक्वायरमेंट्स अलग हो गई हैं डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स अलग हो गई हैं मैं एज एज एन एक्टर बोल रहा हूँ कि हम सारे एक्टर्स को सारे फिल्म मेकर्स को सबको बहुत जल्दी क्योंकि इवाल्व uh, करना पड़ेगा क्योंकि लोगों की कंजम्पशन चेंज होगी अगर हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे स्टेज पर आएँ जब जहां पर हम एक इंटरनेशनल स्टेज पर भी जा सकें मेरी कोशिश यह है कि आई कैन रिफाइन माई सेल्फ और आई आई ट्राई टू जो मैंने पहले बोला था मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अब आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग ना करूँ सो टेलीविजन पे तो और भी ज़्यादा मुझे लगा बिकॉज mm. टेलीविजन की स्क्रीन छोटी है फिल्म की स्क्रीन बड़ी होती है तो आप कुछ हीरोइज़्म हीरोइक तरीके से देके निकल जाते हो यू mm. नो you know, क्योंकि लार्जर देन लाइफ बट इवन ऑन फिल्म नाउ आई वुड से जनरली एक ओवरऑल जो है ना हम रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ जा रहे हैं इवन <laughs> अगर आप एक्शन फिल्म में देखो तो उसमें भी विलन्स अब रियलिस्टिकली चिलिंग विलन्स हो गए हैं बट <laughs> वो एक मोगैम्बो का जमाना ख़त्म होता <laughs> जा रहा है सो सो आई वुड से दैट वॉज दी ओनली थिंग दैट आई दैट हाँ मुझे थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ेगा बट <laughs> मैंने मैंने एक चीज़ अपने डायरेक्टर से कर मांगी थी और उन्होंने मुझे दी भी मैंने कहा मुझे स्क्रीन प्ले चाहिए <laughs> और इसका मतलब ये है कि यूजली टेलीविजन की अक, एक्टिंग और टेलीविजन की स्टोरी टेलिंग भी ये होती है यू नो सो इट्स ओनली टिल हेयर तो आप सारी अपनी एक्टिंग हाँ। तो मेरा कैरेक्टर अगर देखें आ, अंजुम इज कैप्ट माई कैरेक्टर मूविंग असलम सीन में हिलता जुलता रहता है mm -hmm. वो शुरू यहाँ से करता है बात करते हुए जाता है वहाँ पे जाता है सो so मुझे वो चाहिए था वो मुझे अंजुम ने दिया एंड एक्चुअली ही इज केप्ट माई कैरेक्टर मूविंग और वो जब एक पॉइंट पे जाके वो चलना बंद करेगा वो तब है जब स्टोरी अभी फंसेगी अब ये बहुत एक सबकॉन्शियस क्यूज हैं जिसमें आप कहेंगे कि यार ये क्यों पड़े हुए थे क्या सोच रहे थे ये बट आई आई थिंक दीस थिंग्स हैव मेड अ डिफरेंस इन द वे लोग परसीव कर रहे हैं ड्रामे को को असलम कैरेक्टर डोंट नो वो कहते हैं पागलपन की कोई हद नहीं होती जितना mm -hmm. आप घुसते जाए घुसते जाए सो so, बट वो एक डिफरेंस था कि जब मैंने कहा था कि मैं अगर टी वी के लिए भी काम करूँगा तो मुझे स्क्रीन प्ले चाहिए मुझे okay. वो वाली एक्टिंग नहीं छोड़नी मुझे सिर्फ बोल के नहीं करना मुझे

क्योंकि वो मेरा काम है जैसे मैंने डायरेक्टर सो किसका नहीं दिमाग सेट पे ये बताएं नहीं बट जरूरी है बट नहीं देखें आई एम श्योर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि मैंने सबको एंजॉय कराया था hmm. क्योंकि मैं बहुत हंसते खेलते काम करता हूँ बहुत ज्यादा एंड मोस्ट ऑफ़ टाइम अपने ही एक्सपेंस पर जोक्स कर रहा होता हूँ

अच्छा नहीं मैं ये कह रही थी कि जो आपका बिल्कुल राउ ने वो डिजाइन तो हाँ, किया uh, actually, मेरा ग्राफ फोन नहीं छोड़े बा, बाद में आपको दिखाऊंगा yeah. हमने फोल्डर्स बनाए हुए थे फोन के अंदर सो मंथ एंड हफ टू मंथ थ्री मंथस जब मैं प्रेप करा था ड्रामे के लिए जब मुझे चीजें अच्छी रही होती थी डिफरेंट मैं डालता था वो अपनी मर्जी के रेफरेंसेज डालता था फिर हम बैठ के वी वुड सिट डाउन हमने अंजुम के साथ चार पांच मीटिंग्स की हमने आ, उनकी जो पूरी क्रिएटिव टीम उनके साथ मीटिंग की उसके बाद फिर हम लोग आपस में बैठे खुद जाके कपड़ा लिया हम लोगों ने साथ बैठ के यू नो शॉपिंग खुद की एंड ऑल ऑफ़ दैट सो एक एक चीज़ में फिर उसके बाद शेड्स डिसाइड किए एंड आई वुड रियली गिव क्रेयर टू ओवर हेयर बिकॉज उसने बहुत टाइम लगाया इस पूरे प्रोसेस पे और मेहनत की डिफरेंट डिफरेंट जगहों से चीज़ें बनवाईं एंड क्योंकि ऑब्वियसली आपके बजट्स भी एक सर्टन uh, टेलीविजन के बजट्स भी थोड़े से कंस्ट्रेंड होते हैं तो उन बजट्स में रहते हुए उसने बहुत इंटेलिजेंटली काम किया एंड बट uh, अगर आप कैरेक्टर को देखें तो एक जर्नी है उसके कलर पैलेट की नहीं। वो शुरू में एक शोखे रंग पहन रंग पहन रहा है जैकेट्स तो पहन रहा रहा जैकेट्स, रहा जैकेट्स पहन रहा है टी शर्ट्स पहन रहे है टाइट किस्म की टी शर्ट्स भी पहन रहा है और शलवार के ऊपर टी शर्ट पहन के निकल गया है और आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर पैलेट चेंज होता जा रहा है वो डार्क टोन्स में आ रहा है Um, और अगर आप देखें तो शलवार कमीज में आ रहा है स्ट्रेट में आ रहा है, है।, क्या आपको लगता है रियल में भी लोग तो मैंने जाके अपना वार्डरोब चेंज किया ना तो वो तो लाइफ में जैसे जैसे आपकी लाइफ चेंज हो रही होती है जो चेंजेस आ रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट्स मोर रेलिवेंट बिकॉज शलवार कमीज क्यों पहनता है मैं तो कम्फर्ट के लिए पहनता हूँ क्योंकि जब मुझे ज्यादा सोचना नहीं होता घर पे मैं होता हूँ तो मैं बस शलवार कमीज़ पहन लेता हूँ क्योंकि कुछ मैच नहीं करना ना दो अलग चीज़ों को लेके मैच नहीं करना मुझे के ऊपर कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं, नहीं है ठीक है सो so, मेरी थॉट प्रोसेस ये थी कि असलम को लेके कि वो शलवार कमीज में इसीलिए आए एक तो खुला डुला है दूसरा उसको सोचना नहीं है टाइम नहीं है उसके पास कि मैं अपने ऊपर सोच सकूँ और अगर आप देखें तो जनरली असलम का कैरेक्टर भी जो है अगर देखें उसके बाल थोड़े से अजीब से रहते हैं अक्सर

आई I मीन mean, ये चीज़ मैंने शायद इतना कॉन्शियसली नोट नहीं किया तो वो सब चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही थी लेकिन जब मैंने आपकी बातें सुनी तो मैंने कहा वाकई दिस असलम और वो असलम का जो जर्नी है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल हमें अब लग yeah. रहा you know? है हम माया माया के साथ uh, आप बहुत काम कर चुके हैं uh, फिल्म की है एक uh, ये भी ड्रामा किया है एड मैंने मेरे ख्याल से उसका टोटल दो किए हैं हम्म सो so, लेकिन हाँ। मतलब फिल्म में बहुत टाइम आप लोग प्रमोशंस भी कर रहे थे प्रमोशंस प्रमोशंस बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा दैट इज या तो मैं पूछना ही चाह रही थी कि ऑल ऑफ दिस बिकॉज़ इन फिल्म पे बड़ा लंबा आप लोगों ने काम किया इस ड्रामा में भी तो उसके फेमिलियरिटी जो होती है वो उसको आसान कर देती है काम करना ऐसे किसी भी जब दो एक्टर साथ कर रहे हो जिनके साथ पहले भी काम किया हो आपने या, या ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि नहीं यार अब हमें स्क्रीन पे अपनी केमिस्ट्री को रिफ्रेश करने के लिए अपने आप को ज्यादा वो करने के लिए डिफरेंट तो तरीके से सीन को अप्रोच करना पड़ेगा क्या होता है काम करने का माया uh, का अपना डिफरेंट प्रोसेस है मेरा अपना डिफरेंट प्रोसेस है सो so, वो दोनों प्रोसेस इतने डिफरेंट हैं कि वैसे ही सिमिलैरिटी नहीं हो पाती कभी सो आई थिंक सो आई थिंक दैट इज वट मेक्स थिंग्स फ्रेश डिफरेंट एवरी टाइम दूसरी बात ये है कि um, ये जब कैरेक्टर्स किए थे तो um, इसमें बिकॉज ड्रामा में आप इतनी रिहर्सल्स नहीं कर पाते हो नहीं, नहीं। फिल्म में आपकी रिहर्सल भी होती हैं सो okay. so मैंने एक पूरा कैरेक्टर बनाया हुआ था उसने पूरा बनाया हुआ था बट सीन uh, से पहले मैं मैं और वो अच्छी कोई यू नो पाँच छः मरतबा रिहर्स करते थे अपनी मूवमेंट्स डिसाइड करते थे साथ बैठ के सीन बनाते थे okay. तो उसमें जो हमारे साथ के सीन्स हैं वो हमने बहुत साथ बैठ के प्रॉपर अगर आप उनमें देखें तो उसमें अगेन मैं वो कहूँगा स्क्रीन प्ले बहुत है हैोग्रफी बहुत है सीन्स की हैोग्राफी बहुत है मूवमेंट है उन सारे सीन्स में सो वो मूवमेंट हमने क्योंकि सीन में भी तो आप एक बीट पकड़ के केफी कर रहे हो ना किन लाइन्स पर आपने करना है सो so उस तरीके से करते थे एंड इट वॉज इट वॉज फन मुझे था। okay. बस थैंक यू सो मच आपने इतना टाइम दिया इतने हमारे सवाल दिए और थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड सॉरी इफ आई बोर्ड यू sorry to all of you I and to for us sitting, sitting <laughs> behind the camera why do you say you bored us what makes you think bahut zyada reflective ho gaya hu na so hmm. hmm. ek pace thodi si slow ho gayi hai so nahi nahi do... boring bilkul nahi tha boring Al bilkul kye? bhi nahi tha nahi bada Chai, nain, interesting okay. badi thought provoking bhi baatein hai. hain thoda sa edit edit kar लीजिएगा edit to hoga definitely ye definitely thank you ravya thank you so much for having me it's always a pleasure being on your show

अगर सिकंदर पिक्चर में नहीं होता would he still have done that? या वो को को जाने देता? अगर रक्षी को सिकंदर नहीं, कोई और अच्छा इंसान भी मिल गया होता, हुँ. तो क्या वो जाने देता, बैक आउट कर जाता? असलम को एक यकीन है हुँ. अगर आप देखें उसने वो डायलॉग बार बार बोला है जब पहले भी उसको फोन करती है अगर आपने देखा होगा so, असलम को मैंने एक बहुत एक उसने कहा भी है ना डायलॉग आई थिंक सेवन्थ एथ पता नहीं कौन से एपिसोड में बोला था कि मोहब्बत में बहुत कुछ जायज़ भी होता है और नाजायज़ भी होता है और हराम भी हुँ, हुँ. ना तो उसने बताया कि मोहब्बत के भी कुछ असूल होते हैं तो अगर आप देखें तो वो फोर्थ फिफ्थ एपिसोड में जब उसे बोलती है कि क्यों करते हो मेरा पीछा कल से नहीं करना मेरा पीछा तो वो कहता है रक्षी मुझे सच बताओ मैं तंग करता हूँ तुम्हें तो वो पूछता है उससे उसकी ये प्राइड है कि उसको पता है कि मेरी जो माशूक है जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ hmm. वो मुझसे करती है आ, okay. uh, बहुत इंटेंस वर्ड है ना तो पता <laughs> <laughs> so, नहीं अप्रोप्रिएट भी है या नहीं <laughs> नहीं वाह मींस लवर सो सो ही उसको यकीन है और वो ऑफ कोर्स मोहब्बत करती है बट उसका मतलब ये है कि वो उसके पीछे पड़ जाए उसको जान ही नहीं दे वो खुद तो कुछ कर नहीं रही है. नहीं बट उसको ये पता है कि उसने काफ़ी सीन्स में एक सीन में ये भी बोला है कि चिड़िया जितना तो दिल है रक्षी का तो उसे पता है कि ही अंडरस्टैंड वेयर शी इज कमिंग फ्राम इवन दो सारी ऑडियंस जो है वो देख रही है और कह रही है कि हाउ कैन रक्षी बी सो सेल्फिश वाई शी लाइंग वाई शी डू नॉट बट ही अंडरस्टैंड दैट उसको ये पहले क्योंकि जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो आपको पहले दिन कोई डील भी करते हो बिजनेस पे ऑन द टेबल जो आपको बातें पता होती हैं उन्हीं के बेसिस पे करते हो ना बाद में अगर कुछ चीज़ गलत हो जाती है तो आप कहते हो यार ये तुमने बताया नहीं था नहीं। उसको तो रक्षी के बारे में ये पता था, था। कि रक्षी जो है वो डरपोक है तो तो उसने उसके साथ आई वुड थिंक दैट ऑन दी उसको ये लगता है कि वो वो हीरो है जो उसके लिए लड़ेगा नाइट एंड शाइनिंग आर्मर तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे उसको लगता है कि रक्षी खुश है किसी चीज से तो फिर वो छोड़ेगा छोड़ mm -hmm. वो अपनी जिद तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसको ये mm -hmm. नहीं लगेगा कि रक्षी खुश है बड़ी अच्छी हुई आपसे और इस बार हम बाकी खत्म कर रहे हैं <laughs> <सवाल नहीं पूछेंगे. laughs>